हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज ट्रेन चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हावड़ा से चलकर गोरखपुर जाने वाली सभी ट्रेनों के बारे में। सभी ट्रेनों का नाम, उनका नंबर, उनका चलने का समय और उनके चलने का कौन सा दिन है, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। हावड़ा से चलकर गोरखपुर जाने वाली वैसे तो दोस्तों 5 ट्रेनें चलती हैं, लेकिन अभी ग्रीष्मकालीन एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जो कि गर्मियों के लिए चलाई गई है। अब उसको रेलवे आगे बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मेन 5 ट्रेनें जो हैं हावड़ा से गोरखपुर हमेशा जाती रहती हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों, जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में हम 4-5 स्टेशनों की बात करते हैं। जैसे दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया, उसके बाद हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और दिल्ली में और 3-4 स्टेशन है जैसे आनंद विहार टर्मिनस। तो जब हम बात करते हैं तो हम मेनली यही बताते हैं कि वो ट्रेनें दिल्ली से चल रही हैं। उसी प्रकार हावड़ा में भी 3-4 स्टेशन हैं जैसे हावड़ा, कलकत्ता, शालीमार, ये हावड़ा से ही चलने वाली ट्रेनें, यहाँ से हावड़ा से ही चलने वाली ट्रेनें इनको बोला जाता है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो ट्रेन है उसका नंबर है 1549। ये कलकत्ता गोरखपुर जो है मऊ के रास्ते जाती है। इसका टाइम ट्रेवल कलकत्ता से और गोरखपुर पहुंचाने में 18 घंटे का समय लेती है, जिसके बीच में 23 स्टेशनों पर रुकती है। 884 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है और इसकी एवरेज स्पीड 47 किलोमीटर प्रति घंटे की निकल कर आती है। इसी लिस्ट में, इसी ट्रेन के बारे में अगर आगे बात करें तो ये ट्रेन हावड़ा से आपको सप्ताह में केवल 2 दिन ही मिलेगी। सप्ताह के रविवार को मिलेगी, जो ट्रेन सोमवार को सुबह पहुंचाएगी, और एक ट्रेन जो है वो बुधवार को मिलेगी, वो गुरुवार को पहुंचाएगी सुबह में। यानी कि सप्ताह के केवल 2 दिन यह ट्रेन चलती है। हावड़ा जंक्शन से यह ट्रेन चलती है जो कि कोलकाता से 6 किलोमीटर दूर है। जैसे हावड़ा, कलकत्ता, शालीमार, ये तीनों चारों स्टेशन जो है हावड़ा से थोड़ी थोड़ी दूर पे ही हैं। दोपहर के 2:30 पे यह ट्रेन आपको कलकत्ता हावड़ा जंक्शन से मिलेगी और सुबह 9:10 पर गोरखपुर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर यह पहुंचाएगी। हावड़ा से यह प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलती है। इस ट्रेन का जो टाइप है वो मेल और एक्सप्रेस टाइप की ये ट्रेन है। इसमें कोच पोजीशन की बात करें तो इसमें इस टाइप के कोच लगे रहते हैं जो कि कभी कभी रेलवे बदल भी देता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जनरल के 7 डिब्बे जो हैं लगे रहते हैं, स्लीपर के 10 डिब्बे, और यहाँ पर थर्ड एसी के 2 डिब्बे, सेकंड एसी का 1 डिब्बा और फर्स्ट एसी का 1 डिब्बा इसमें लगा रहता है। कोच पोजीशन आगे पीछे भी होती रहती है और कोच घटते या बढ़ रहे भी जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो ट्रेन है जो कि आपको हावड़ा से लेकर गोरखपुर पहुँचाएगी, उसका नंबर है 1551। इसका नाम है कोलकाता गोरखपुर एक्सप्रेस जो कि वाया नरकटियागंज चलती है। यह 17 घंटे 40 मिनट का समय लेती है और 877 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। मेनली यह 20 स्टेशनों पर रुकते हुए आगे बढ़ती है, गोरखपुर आपको पहुंचा देती है। इस ट्रेन के बारे में यदि विस्तृत चर्चा करें तो ये भी हावड़ा जंक्शन से ही चलती है। जैसे कि पीछे वाली ट्रेन हावड़ा जंक्शन से ही चल रही थी, ये भी हावड़ा जंक्शन से ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलती है और दोपहर के 2:30 पर सुबह गोरखपुर जंक्शन सुबह 8:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचाती है। ये केवल वीकली ट्रेन है, यानी कि सप्ताह में केवल एक ही दिन आपको शुक्रवार को हावड़ा से मिलेगी और शनिवार को सुबह गोरखपुर पहुंचा देती है। ये मेल और एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इसमें कोच पोजीशन की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें 10 डब्बे दोस्तों स्लीपर क्लास के लगे रहते हैं और यहाँ पर 7 डिब्बे इसमें जनरल क्लास के लगे हुए हैं और 2 डिब्बे थर्ड एसी, 1 डिब्बा सेकंड एसी, 1 डिब्बा फर्स्ट एसी का इसमें लगा हुआ है। तीसरे नंबर की जो ट्रेन है हावड़ा से गोरखपुर जाने वाली, उसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। इसका नंबर है 1547, 15047। ये 17 घंटे 20 मिनट का समय लेती है और ये 16 स्टेशन पर रुकती है। ये देखा जाए तो पीछे वाली ट्रेनों से बहुत कम स्टेशनों पर रुकती है, 860 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। और इसके बारे में यदि पूरी देखें, चर्चा करें,
ये ट्रेन भी हावड़ा प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही चलती हैं। जैसे कि पीछे वाली ट्रेनें भी दोपहर के 2:30 पे चल रही थी, उसी समय यह ट्रेन भी आपको सप्ताह में 4 दिन हावड़ा से जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मिलती हैं और गोरखपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर सुबह 7:50 पर पहुंचाती है। सप्ताह के 4 दिन में ये ट्रेन चलती है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, और अगले दिन सुबह आपको यह ट्रेन गोरखपुर पहुंचा देती है। यह भी एक मेल और एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। अब इसमें लगे हुए कोच की यदि बात करें तो इसमें यदि कोच देखेंगे तो 10 डिब्बे स्लीपर क्लास के लगे हुए हैं, 2 डिब्बे थर्ड एसी, 1 डिब्बा सेकंड एसी, 1 डिब्बा फर्स्ट एसी और 8 डिब्बे जो हैं वो जनरल क्लास के लगे हुए हैं। इसकी कोच पोजीशन की बात की जाए, इसमें सॉरी दोस्तों कोच पोजीशन यहाँ पर नहीं बताई गई है। अगली जो ट्रेन है वो है 15:021 शालीमार गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है यह साप्ताहिक ट्रेन होगी 15:021, जो कि 21 घंटे का समय लेती है और 1,051 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 13 स्टेशनों पर रुकते हुए आपको गोरखपुर पहुंचा देती है। इस ट्रेन के बारे में आगे बात करें तो यह साप्ताहिक ट्रेन है, जैसा कि पहले ही नाम से ही पता चल गया था। हावड़ा जंक्शन से यह प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलती है रात को 8:20 पर और यह आपको 17:20 पर गोरखपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर अगले दिन मंगलवार को आपको शालीमार जंक्शन से मिलेगी और गोरखपुर सुबह सुबह नहीं दोस्तों सॉरी, यह शाम को 5:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आपको बुधवार को पहुंचा देगी। यह भी एक मेल और एक्सप्रेस टाइप की ही ट्रेन है। इसमें कोच पोजीशन की बात करें तो इसमें D1 से लेकर D4 तक, यानी कि 4 डिब्बे जनरल क्लास के और 7 डिब्बे स्लीपर क्लास के। इसमें थर्ड एसी के भी 7 डिब्बे हैं और सेकंड एसी के 2 डिब्बे हैं। और अगली जो ट्रेन है उसका नाम है बाघ एक्सप्रेस, 13:019 बाघ एक्सप्रेस, जो कि 20:05 का समय लेती है। सबसे ज़्यादा स्टेशनों पर रुकती है, 41 स्टेशनों पर 856 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यह ट्रेन आपको सप्ताह के 7ों दिन हावड़ा जंक्शन से मिलेगी और गोरखपुर जंक्शन पहुंचा देगी। सुबह सुबह नहीं रात को 9:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 या 11 पर मिलती है। प्लेटफॉर्म यहाँ पर निश्चित नहीं लिखा हुआ है, तो आप जब भी स्टेशन जाएँ तो एक बार पूछ लें कि कौन से प्लेटफॉर्म से है ट्रेन जा रही है। और अगले दिन शाम को 5:50 पर गोरखपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आपको यह पहुंचा देती है। इसमें कोच पोजीशन की बात करें तो इसमें 4 डिब्बे, 5, 6, 7 डिब्बे जो हैं आपको डी क्लास के यानी जनरल श्रेणी के मिलेंगे, 7 डिब्बे आपको स्लीपर क्लास के, 2 डिब्बे आपको थर्ड एसी और 1 डिब्बा सेकंड एसी का आपको मिलेगा। दोस्तों 5 ट्रेनों के बारे में बात हो चुकी है, जो कि हावड़ा जंक्शन, शालीमार जंक्शन और कलकत्ता से चल करके आपको गोरखपुर पहुंचाती हैं। ये जो पीछे की 5 ट्रेन हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की है वो हमेशा ही चलती आ रही हैं, जबकि ये सियालदा गोरखपुर विशेष किराया ग्रीष्मकालीन स्पेशल ये अभी गर्मियों में ही चल रही है। अब आगे इसको गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है कि नहीं इसके बारे में तो देखना पड़ेगा, पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं गर्मियों के महीने में तो अभी ये ट्रेन चल रही है। इस ट्रेन का नंबर है 031131 सियालदा गोरखपुर विशेष किराया ग्रीष्मकालीन स्पेशल, जो कि 17:35 का समय लेते हुए 14 स्टेशनों पर रुकते हुए 782 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। यह आपको मिलेगी सियालदा से मिलेगी। सियालदा स्टेशन जो है वो हावड़ा जंक्शन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे शालीमार था, सियालदा हो गया, हावड़ा हो गया और कलकत्ता हो गया, ये 4 स्टेशन हो गए जो गोरखपुर आपको अगले दिन शाम को 5:30 पर पहुंचाएगी। आपको ये ट्रेन सियालदा से रात को 23:00 यानी कि 11:55 पर मिलेगी। ये सप्ताह में केवल एक दिन चलती है, सोमवार सॉरी दोस्तों संडे को चलती है यानी रविवार को, और सोमवार को ये ट्रेन आपको पहुंचा देगी। ये मेल और एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इसकी कोच पोजीशन अगर देखें तो इसमें 6 डिब्बे जो ब्लू कलर के हैं थर्ड एसी के लगे हुए हैं, 10 डिब्बे ये स्लीपर क्लास हो गए और 1 और 2 डिब्बा ये हो गए डी क्लास यानी कि जनरल क्लास के। तो इस टाइप
मिला करके अगर अभी बात करें गर्मियों में तो 6 ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन 5 ट्रेनें तो हमेशा ही चलती हैं। यह जानकारी थी हावड़ा से चलकर गोरखपुर जाने वाली सभी 5 और 6 ट्रेनों के बारे में।